Dear students, very important question. Question is define the following. पहला है equal vectors, negative vectors, co-initial vectors, co-terminus vectors, collinear vectors, fixed or localized vector, free or non-localized vector, unit vector, orthogonal unit vector, polar vector and axial vector. ये हमें define करने हैं, एक एक करके मैं आप लोगों को define करके देता हूं. आज हम 7 vectors को define करेंगे, कल 5 vectors को हम define करेंगे next top video में. तो 7 वेक्टर्स आज हम एक एक करके करेंगे. सबसे पहला फर्स्ट इक्वल वेक्टर्स पहला टॉपिक. टू वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्वल वेक्टर्स. दो वेक्टरों को मैं हम इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं. Two vectors are said to be equal vectors if they have equal magnitude. इनका magnitude same होना चाहिए और direction भी same होनी चाहिए. Equal magnitude and same direction. Two vectors are said to be equal vectors if they have equal magnitude and same direction. दो vectors को मैं हम ये मान लीजिए ए वेक्टर है, ये मान लीजिए बी वेक्टर है. मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर का मैग्नीट्यूड है, इसमें भी 10 सेंटीमीटर का मैग्नीट्यूड है. ये भी ईस्ट की तरफ जाता है, ये भी ईस्ट की तरफ. ये एग्जांपल है. दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है. टू वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, if they have equal magnitude and same direction. अगर दोनों का magnitude same हो और direction भी same हो, उसको बोलते हैं equal vector. What are equal vectors? Two vectors are said to be equal vectors if they have same magnitude and same direction. Or two or more vectors are said to be equal vectors if they have equal magnitude and same direction. इन फिगर ए में वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू इक्वल वेक्टर्स. दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, 10 सेंटीमीटर इसका भी है, इसका भी 10 सेंटीमीटर है. दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए इनको बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स. सेकंड इज जो सेकंड वेक्टर है दैट इज नेगेटिव वेक्टर्स. अगर एक वेक्टर ईस्ट की तरफ है, इसका मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर है और इसको हमने वेक्टर ए रिप्रेजेंट किया. दूसरा वेक्टर ऐसे है, वेस्ट की तरफ है, इसका मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर है. अब मुझे बता दीजिए आप इसमें क्या फर्क है. मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर. डायरेक्शन ये ईस्ट की तरफ है, ये वेस्ट की अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स. टू वेक्टर्स आर सेट टू बी नेगेटिव वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, if they have equal magnitude but drawn in opposite direction का मतलब क्या है, ये east की तरफ है, ये west की तरफ है. याद रखिए, two or more vectors are said to be negative vectors if they have same magnitude but drawn in opposite direction. अगर opposite direction में draw किए गए हो लेकिन magnitude same है, then they are called negative vectors. Remember this. Now, third vector is co-initial.
थर्ड वेक्टर इज को इनिशियल, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स। को मीन्स सेम, को का मतलब है सेम, को मीन्स सेम। ऐसे वेक्टर्स देख लीजिए, अगर मैंने ये वेक्टर ए ड्रा किया, इसका इनिशियल पॉइंट ओ है, इनिशियल पॉइंट, इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ओ है। अगर मैंने वेक्टर बी ड्रा किया ऐसे, इसका भी इनिशियल पॉइंट ओ है। तो ये मैंने वेक्टर सी ड्रा किया, इसका भी इनिशियल पॉइंट ओ है। ऐसे वेक्टर्स जिनका कॉमन इनिशियल पॉइंट हो, ए ओ तो कॉमन इनिशियल पॉइंट है, ए का भी इनिशियल पॉइंट है, बी का भी और सी का भी, दोज वेक्टर्स विच हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट, ऐसे वेक्टर जिनका कॉमन इनिशियल पॉइंट होगा, दोज वेक्टर्स विच हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। इन फिगर वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर को इनिशियल वेक्टर्स बिकॉज दे हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट। ऐसे वेक्टर्स जिनका कॉमन इनिशियल पॉइंट होगा उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। सबका कॉमन इनिशियल पॉइंट ओ है, इसलिए बोलते हैं इनको को इनिशियल वेक्टर्स। इसके बाद फोर्थ जो है, फोर्थ वेक्टर जिसको हम बोलेंगे दैट इज को टर्मिनस, को टर्मिनस वेक्टर्स, को टर्मिनस वेक्टर्स। अब देख लीजिए, एक वेक्टर इसका टर्मिनल पॉइंट ये है, दिस इज कॉल्ड द टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट जिसको हेड भी बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट। ये वेक्टर ए है, यहां से वेक्टर बी आ रहा है, इसका भी टर्मिनल पॉइंट ये है, यहां से वेक्टर सी आ रहा है, इसका भी टर्मिनल पॉइंट कॉमन है। अब देख लीजिए, ये वेक्टर डी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, इन सब का कॉमन टर्मिनल पॉइंट ये है, इसलिए दोज वेक्टर्स विच हैव कॉमन टर्मिनल पॉइंट, याद रखिए, दोज वेक्टर्स विच हैव कॉमन टर्मिनल पॉइंट, जिनका कॉमन टर्मिनल पॉइंट होगा उसको बोलते हैं को टर्मिनस वेक्टर्स। दोज वेक्टर्स विच हैव कॉमन टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड, आर कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर्स। मैंने आपको बताया जब वेक्टर को हम ड्रा करते हैं इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। याद रखिए, जिनका कॉमन टर्मिनल पॉइंट होगा उनको बोलते हैं को टर्मिनस वेक्टर्स। रिमेंबर दिस। नाउ द फिफ्थ वेक्टर कोलीनियर, कोलीनियर वेक्टर्स। इधर देख लीजिए, मैंने वेक्टर ए ड्रा किया, इसका 10 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड है। दूसरा वेक्टर ड्रा किया बी वेक्टर, इसका 5 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड है। वेक्टर सी ड्रा किया, इसका मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर। फिर वेक्टर डी, वो ऐसे ड्रा किया, दिस इज वेक्टर सी और वेक्टर डी, इसका मान लीजिए 8 सेंटीमीटर। चार वेक्टर मैंने ड्रा किए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। आप लोगों को समझना है कोलीनियर। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है या सेम नहीं है,
those vectors which have equal or unequal magnitudes. याद रखिए, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है या सेम नहीं हो सकता. फिर से, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो या सेम न हो, इक्वल हो या इक्वल न हो. इधर सुनिए, सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में, उससे भी कोई फर्क नहीं, बट आर पैरेलल टू ईच अदर. रिमेंबर दिस, अगर ये पैरेलल होंगे तो इसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स. फिर से बताता हूं, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर सेम है, 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर सेम नहीं है. दोज वेक्टर्स विच हैव इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स हैविंग सेम डायरेक्शन आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन बट आर पैरेलल टू ईच अदर. अगर पैरेलल होंगे देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स. व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर्स? दोज वेक्टर्स विच हैव इक्वल आर अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स ड्रॉन इन सेम डायरेक्शन आर इन अपोजिट डायरेक्शन बट दे शुड पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स. रिमेंबर दिस अगेन, दोज वेक्टर्स विच हैव इक्वल आर अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स पैरेलल टू ईच अदर आर नहीं, दोज वेक्टर्स विच हैव इक्वल आर अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स ड्रॉन इन द सेम डायरेक्शन आर इन अपोजिट डायरेक्शन बट आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स. रिमेंबर दिस. इसके बाद फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर, सिक्स्थ, सात आज हम करेंगे, सात वेक्टर्स. फिक्स्ड वेक्टर, फिक्स्ड वेक्टर देख लीजिए क्या होता है. अगर ये एक वेक्टर हमने ड्रा किया, इधर देख लीजिए, इस वेक्टर की टेल हमने फिक्स कर दी, फिक्स्ड टेल अगर हमने फिक्स कर दी इस वेक्टर की, ए वेक्टर हूज टेल इज फिक्स्ड, ए वेक्टर हूज टेल इज फिक्स्ड इज कॉल्ड फिक्स्ड वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर. व्हाट इज फिक्स्ड वेक्टर? ए वेक्टर हूज टेल इज फिक्स्ड, एक ऐसा वेक्टर जिस तरीके से वॉच में होते हैं, वॉच में जो नीडल होती है, वॉच की जो नीडल होती है वो एक साइड से फिक्स होती है, हेड इसका घूमता है, तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं फिक्स्ड वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर. ए वेक्टर हूज टेल इज फिक्स्ड इज कॉल्ड फिक्स्ड वेक्टर, इसका हेड घूमता है, टेल नहीं घूमती है, टेल फिक्स है एक जगह, इसको बोलते हैं फिक्स्ड वेक्टर. नाउ अनदर वेक्टर इज लास्ट, टुडेज लास्ट वेक्टर इज फ्री और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, फ्री और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, फ्री और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर. याद रखिए, ऐसा वेक्टर ये स्टैंड है, ऐसा वेक्टर जिसकी टेल हेड तो है ही है, हेड तो फिक्स्ड वेक्टर में भी फ्री होता है, लेकिन अब टेल जिसकी फ्री है, ए वेक्टर हूज टेल इज फ्री, ए वेक्टर हूज टेल इज फ्री इज कॉल्ड फ्री और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर. ए वेक्टर हूज टेल इज फ्री, हेड तो होता ही होता है, फिक्स्ड में भी हेड फ्री होता है, फ्री में भी हेड फ्री होता है, लेकिन एक में टेल फिक्स होती है, एक में टेल फ्री होती है. ए वेक्टर हूज टेल इज फ्री, ये ऐसे घूमता है, ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे
ऐसे वेक्टर रोटेट करेगा. ए वेक्टर हूज टेल इज फ्री इज कॉल्ड फ्री और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर. याद रखिए ये सात वेक्टर्स आप लोगों को जबानी याद होने चाहिए. तो इसके आगे जो यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर, दे विल स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो. ओके.